myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, it. No, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders, now we ain't out here moving rocks. Hello guys, this is Manoj Bhandari. Welcome back to my channel Fitness Freak. और आज है समर शेडेड प्रोग्राम का चेस्ट ट्राइसेप्स एंड एब्स. और ये जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, हैवी ट्रेनिंग है आपकी, और 2 से 5 रैप है इसकी. और पहले मैं लगा रहा हूँ बेंच प्रेस, फ्लैट बेंच प्रेस बारबल से लगाऊंगा. और इसके 4 सेट करने, हर सेट में आपको वेट बढ़ाना है. आप किसी की सपोर्ट भी ले सकते हो पीछे से, और हैवी से हैवी लिफ्ट करने. और लास्ट जो आपका सेट होगा उसमें 2 मैक्सिमम 3, मतलब 2 से 5 रैप की रेंज है आपकी. सो आपको इतने रैप लगानी है इसमें, और उसके साथ आपको कार्डियो करना है. इसके साथ कार्डियो जंपिंग ऑन द स्पॉट है, 20 सेकेंड तक कार्डियो करना है. उसके बाद आप रेस्ट लोगे और फिर आप उसके बाद दूसरा सेट परफॉर्म करोगे. दूसरी एक्सरसाइज में करूंगा इंक्लाइन डंबल प्रेस. इसके 3 सेट करूंगा और 2 से 5 रैप है. और इसके साथ सुपर सेट कार्डियो का करना है. और कार्डियो में मैं करूंगा इसके साथ जंपिंग जैक्स. अगेन कार्डियो की एक्सरसाइज है ये. और इसके इसमें भी हैवी लिफ्ट करना है आपको, हैवी से हैवी लिफ्ट करना है 2 से 5. अपर चेस्ट की एक्सरसाइज है, पेक्टोरियल्स, अपर जो आपका चेस्ट होता है उसकी एक्सरसाइज है. और अच्छी तरह से स्क्वीज करना है प्रॉपर फुल रेंज ऑफ मोशन में आपको. और उसके साथ तुरंत कार्डियो आपको परफॉर्म करना है, जंपिंग जैक्स 20 सेकेंड तक आपको परफॉर्म करना है. उसके बाद आप रेस्ट लोगे 30 सेकेंड. जैसे जैसे आप सेट करोगे, और लास्ट में आप स्क्वीज करना मत भूलें अपना, मतलब चेस्ट को, जिस बॉडी पार्ट की आप वर्कआउट करते हो उसको स्क्वीज करना जरूरी है. और मैं तीसरी एक्सरसाइज करूंगा डीक्लाइन बेंच प्रेस. सारे कंपाउंड सीट्स हैं 8, और इसके 3 सेट करने, 2 से 5 रैप लेने इसके. और इसमें भी हैवी लिफ्ट करना है आपको, और प्रॉपर अच्छी तरह से, मतलब कंट्रोल करके, इतना हैवी करना है कंट्रोल रहे आपके और कंट्रैक्ट करें मसल्स को. सो डीक्लाइन बेंच प्रेस आपकी जो लोअर चेस्ट है उसकी एक्सरसाइज है. आज मल्टी ज्वाइंट्स एक्सरसाइजेस हैं सारी. सो इसलिए हम हैवी भी लिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि रैप रेंज भी कम है. और उसके तुरंत बाद आपको इंक्लाइन माउंटेन क्लाइंबर्स, आप बेंच की सपोर्ट ले सकते हो सामने. मैंने इंक्लाइन पे किया. अगेन हमारे लोअर एब्स और अपर एब्स, ग्लूट्स, लेग्स, सब पे इसका इफेक्ट आएगा. और धीरे धीरे थोड़ा सा वर्कआउट अब इंटेंस होता जा रहा है जैसे जैसे वीक्स आगे जा रहे हैं, मतलब. और जो नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक्स में और भी वर्कआउट का थोड़ा सा चेंजेस होंगे कार्डियो की जो आपकी परफॉर्मेंस है. और उसके बाद तुरंत आपको स्क्वीज करना ताकि वहाँ पे मसल पे ब्लड का अच्छी तरह से फ्लो और फटी वो मसल. नेक्स्ट करूंगा बार डिप्स में पैरेलल डिप्स. और इसके साथ सुपर सेट शोल्डर टैप्स करूंगा. और इसके 4 सेट करूंगा क्योंकि इसके बाद मैं ट्राइसेप्स करूंगा, तो मेरे इसमें ट्राइसेप्स में भी आएगा और मेरे लोअर चेस्ट में भी आएगा. तो बेसिकली मतलब आपको ये डिप्स जो बार होती है उस पर करना है आपको, और प्रॉपर स्क्वीज करना है. आप नी फोल्ड कर सकते हो, बॉडी का आपका अच्छी तरह से बैलेंस करना है बॉडी को. और आप वेट भी लगा सकते हो आप अपने पैरों में, अगर आप ज़्यादा रैप निकाल सकते हो. सो ये भी आपको मतलब अच्छी तरह से स्क्वीज करना है चेस्ट को और ट्राइसेप्स मसल को. उसके बाद तुरंत जैसे आपका सेट खत्म होता है कार्डियो पे चले जाना शोल्डर टैप. और शोल्डर टैप भी अच्छी एक्सरसाइज है आपकी कार्डियो के लिए और बैलेंसिंग के लिए, आपके शोल्डर्स की स्ट्रेंथ के लिए, ट्राइसेप्स के लिए और कोर मसल्स के लिए. इसको भी 20 सेकंड तक आपको परफॉर्म करना है और 30 सेकंड उसके बाद आप रेस्ट लोगे. मैं ट्राइसेप्स करूंगा और क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस करूंगा. इसके सुपर सेट स्टेप अप करूंगा इसके साथ 20 सेकंड तक. और क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस आपको उतनी ही ग्रिप लेनी है जितनी आपकी शोल्डर लेंथ है, ज़्यादा क्लोज नहीं करना ताकि आपकी एल्बोज में इंक्रीज ना हो. और इसमें भी हैवी लिफ्ट करना, आप किसी से सपोर्ट ले सकते हो. और जब नीचे जाओगे तो प्रॉपर आपको स्क्वीज करना है मसल को, ऊपर थोड़ा सा होल्ड करना है आपको. और जैसे ही सेट ख़त्म होएगा आपका, और उसके बाद आप तुरंत कार्डियो परफॉर्म करोगे. और कार्डियो में स्टेप अप्स है, स्टेप अप्स में आपका नी, आपका क्वाड्रिसेप्स, आपका ग्लूट्स, आपका कोर, शोल्डर सब यूज होंगे. तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कार्डियो की.
कार्डियो में आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो, आप इसकी जगह आप ऑन द स्पॉट पर रनिंग भी कर सकते हो और जंपिंग भी कर सकते हो, माउंटेन क्लाइंबर्स भी कर सकते हो, कोई भी मतलब ऐसी एक्टिविटी करनी है जहां आपका फैट बर्न हो, और उसके बाद आपको ट्राइसेप्स को स्क्वीज करना मसल को, ताकि आपका लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड जो आपके ट्राइसेप्स के मतलब लैटरल हेड उस पर आपका इफेक्ट आए। अब मैं करूँगा ट्राइसेप्स डिप्स, और ट्राइसेप डिप्स के साथ मैं सुपर सेट करूँगा प्लैंक जैक्स। तो इसमें आपको वेट रखना है आपको नीज के ऊपर, आपके जो आपका अच्छा सा वेट रखना है मतलब आपका हैवी, और जब आप नीचे जाएँ स्क्वीज करना मसल को ट्राइसेप्स की। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये मास बिल्डिंग के लिए ट्राइसेप्स की, लोग बहुत कम करते हैं बट इफेक्टिव बहुत अच्छी, बहुत ही इफेक्टिव है मतलब मसल्स के लिए। तो जैसे आपने सेट ख़त्म किया 5 to 6 जो भी आपकी रैप रेंज है आज के वर्कआउट में 3 to 5 रैप्स उसमें आपको, और उसके बाद आपने प्लैंक जैक्स करने, प्लैंक जैक्स कार्डियो की आपके लोअर एब्स, आपके कोर मसल्स के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए मतलब बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसको आपको 20 सेकंड तक परफॉर्म करना है। अगेन आपको ट्राइसेप्स को स्क्वीज करना है, और स्क्वीज करने के बाद ट्राइसेप्स का वर्कआउट यहीं खत्म होता है। और अब मैं नेक्स्ट जो करूंगा, अब मैं करूंगा एब्स की ट्रेनिंग, और एब्स में मैं करूंगा केबल क्रंचेस, और उसके साथ सुपर सेट करूंगा स्केट माइल्स स्केटर्स। और केबल क्रंच में आपको वेट अच्छा सा लेना है मतलब जो आपके प्रॉपर अपर एब्स को स्क्वीज करें, मतलब जो अपर एब्स है जो आपका रिएक्टस जो एब्डोमिनल्स हैं जो उसको स्क्वीज करें, और प्रॉपर अच्छी तरह से आपके नी बैंड रहेंगे, अपर बॉडी यूज़ होएगी ज़्यादा, आपको लोअर बैक का यूज़ नहीं करना ज़्यादा। सो जैसे ही ये सेट आपका ख़त्म होता है उसके बाद आपको स्केट माइल्स करना है। स्केट माइल्स अगेन आपके जो साइड ऑब्लिक्स जो लोअर वेस्ट में जो फैट होता है उसकी एक्सरसाइज है। सो इसको भी 20 सेकंड तक परफॉर्म करना है। आप इतने अगर आप फास्ट नहीं कर सकते, आप स्लो भी कर सकते हो ये वाली एक्सरसाइज, क्योंकि कई बार क्या होता है कोऑर्डिनेशन सही नहीं बैठता है। तो 20 सेकंड तक परफॉर्म करनी है ये, और अब मैं करूँगा हिप थ्रस्ट, और इसके 3 सेट करने, 5 से 6 रैप, सुपर सेट डंबल स्विंग्स करूँगा। और हिप थ्रस्ट बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपकी जो ये ग्लूटियस मैक्सिमस और हैमस्ट्रिंग मसल्स, और जो आपका क्वाड मसल होता है रिएक्टस मेमोरीज, ये इसके लिए बहुत अच्छे, और लोअर बैक के लिए स्पेशली मतलब लोअर बॉडी की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आपको वेट लेना है आपको रॉड पे, और इस एक्सरसाइज को करते समय अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है परफॉर्म करते समय। आप मैट का यूज़ कर सकते हो, या आपको कुछ भी ऐसा कुशनिंग होनी चाहिए मतलब ताकि आपकी जो आपके आपकी इंजरीज ना हो मतलब, ठीक है इसमें। और इसके साथ डंबल स्विंग्स करना, अगेन लोअर बॉडी आपके एब्डोमिनल पोर्शन, शोल्डर्स, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, सब पे इसका इफेक्ट आएगा मतलब। और कार्डियो की बहुत ही कंपाउंड अच्छी एक्सरसाइज है ये फैट बर्निंग के लिए। सो इसको 20 सेकंड तक परफॉर्म करना है। जैसे जैसे आप ये एक्सरसाइजेस करते रहोगे आप फटीग होते रहोगे, आपको बीच में BCAA या वाटर इनटेक ज़रूरी करना है ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो और फोकस रहे। सो गाइज, उसके बाद जैसे वर्कआउट ख़त्म होता है उसके बाद कूल डाउन करना मत भूले, ताकि मसल को रिलैक्स मिले और अच्छी तरह से आपका जो आपकी लोअर बैक है जो स्टीफनेस है वो अच्छी तरह से रिलैक्स हो जाए। सो गाइज, वर्कआउट को फॉलो ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगा गाइज। सो थैंक यू, टेक केयर। All of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface, it makes me nervous.